अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और आज जी मैं बना रही हूँ कढ़ी, और ये दोपहर का टाइम है और कढ़ी जी बन रही है रात के डिनर के लिए। और आज मुझे ज़रा समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, ठीक है। और चिकन मटन जो है ना, लास्ट वीक से जो है ना खा खा के बिल्कुल ही दिल चल गया था, तो फिर अब बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी क्या बनाए क्या बनाए। और तो ना फिर मैंने कहा कुछ ठंडी ठंडी और खट्टी खट्टी चीज़ खाने को दिल कर रहा है। दाल भी खा ली है और चावल भी खा लिए, चिकन मटन सब कुछ हो गया ना, और गोभी भी खा ली है, तो अब क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने कहा चलें कढ़ी बनाती हूँ। तो दही मेरे पास 1 kg ही था, तो फिर 1 kg मैंने और मंगवाया, और मतलब 1 किलो जो था ना वो घर का दही था, और 1 किलो बाहर का मंगवा लिया, मतलब खट्टा होता है नॉर्मली वो, तो खट्टा दही हो तो कढ़ी मज़े की बनती है, तो अदरवाइज़ नहीं बनती, ठीक है। तो मेरा अपना ही एक सादा सा एक तरीका है तो ना आई थिंक मैं पहले भी एक शेयर की है अपनी एक वीडियो में कढ़ी की रेसिपी। तो बस यही तरीका है कि थोड़ा सा जो है ना ऑयल या तड़का मैं पहले लगा लेती हूँ, ठीक है। कई लोग जो ना एक दफ़ा यूँ लगाते हैं, फिर एक दफ़ा जो बाद में लगाते हैं, बट मैं जो ना प्याज लहसुन और थोड़ी जगह हरी मिर्ची है तो डाल लेती हूँ, नहीं है तो फिर नहीं डालती हूँ। कढ़ी को मैं इतना स्पाइसी नहीं करती, पकौड़ों को मैं स्पाइसी कर लेती हूँ, ठीक है। अगर कढ़ी भी स्पाइसी हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। मतलब बस मैं नॉर्मली रखती हूँ मैं कढ़ी को, और पकौड़े जो है ना वो स्पाइसी कर लेती हूँ। इतनी स्पाइसी भी नहीं बनाती, नॉर्मल स्पाइसी जो बच्चे भी खा सकें। और इसमें बस हल्दी जो है ना खूब सारी डालनी है, ताकि इसका रंग जो है ना प्यारा सा आ जाए, येलो येलो। और मुझे कढ़ी का रंग जो है ना पीला बहुत ही अच्छा लगता है, कढ़ी का रंग येलो अच्छा होना चाहिए, और एक हलीम का अच्छा। इसको बस फिर मैंने मसाला बनाया, और जो दही था ना, मतलब घर का और बाहर का दही था, उसको एक बड़े से बाउल में डाल के जो अच्छी तरह बीट कर लिया। और उसके बाद जी बेसन के 3 जो होते हैं ना सर्विंग स्पून होते हैं हमारे, तो बस मैंने वो ही मतलब 3 ही, ज़्यादा नहीं बना दही इसमें वो डालते बेसन। अगर आप बेसन बहुत जल्दी डाल दोगे ना, तो फिर बहुत जल्दी वो गाढ़ी हो जाएगी, उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। और कढ़ी मज़े की वही होती है जो आप मतलब 4-5 घंटे लगें स्लो हीट पर पके बनाने को, तो लोग जो है ना आधे घंटे में कढ़ी बना लेते हैं, बट वो टेस्ट नहीं इसका आता जो आया ऐसा ऐसा। अब ये देखें माशाल्लाह से मेरा जो पैन है ना काफ़ी बड़ा डीप है ये, और ये ऊपर तक फुल हो गया था। अगर ये और होता तो मैं शायद इसमें और भी पानी ऐड कर देती। फिर दही में हमने पानी ऐड करना होता है, बेसन ऐड करना होता है, बेसन को मैंने छान के ऐड कर लिया था, और फिर सारे मिक्सचर को अच्छी तरह ब्लेंड करके ना, तो आप और मतलब अगर स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके डालना तो वैसे डाल लो, अगर आपको पता हो कि इसमें लम्स वगैरह नहीं है तो फिर उसको ऐसे डाल दो, और उसमें पानी भी और ऐड करना होता है, ठीक है। अब ऊपर गुंजाइश नहीं थी, फिर मैंने इतना ही ऐड कर लिया, और बस फिर जो है ना ये देखें इतना ही अब पतला है। अब ये स्लो स्लो पकेगा और ये हाफ़ रह जाएगा, ठीक है। और मुझे ना आज इतनी पतली रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि जब मैं नॉर्मल बनाती हूँ ना, जब पहले टाइम खाते हैं तब तो वो बहुत अच्छी उसकी कंसिस्टेंसी होती है, बट नेक्स्ट स्टेज जो है ना वो बहुत थिक हो जाती है, और जब पकौड़ों को साथ खाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा ही थिक हो जाती है। तो इस दफ़ा मैं थोड़ी सी पतली रखूँगी, क्योंकि ये भी हलीम की तरह ना उस वक्त हमें बहुत पतली लगती है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद खुद ही सेटल हो जाती है, थोड़ी गाढ़ी हो जाती है जब इसके अंदर पकौड़े ऐड होते हैं। तो बस फिर अब ना ये देखें जी, अब ये 1-2 घंटे हो गए होंगे इसको स्लो हीट पे, और ये मतलब जो है ना 3/4 जो है ना इसका हो गया है, इतना कम हो गया है। और बस इसमें चम्मच हमने हिलाना होता है, और नमक मैं इसमें ऐड पे डालती हूँ, और ये देखें ठीक है। इसमें जस्ट लहसुन और थोड़ा सा प्याज, छोटा सा हाफ प्याज मैंने लिया था, और बस इसमें हल्दी और लाल मिर्च, ठीक है, जितनी नॉर्मल आपको हो। ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें डालो ना इसका रंग चेंज हो जाता है, और कढ़ी की लुक तो मुझे लगता है उसके कलर पे ही अच्छी लगती है। और ये जी भी मैंने पकौड़ों का मिक्सचर भी रेडी कर लिया। पकौड़ों में मैंने सिर्फ 1 आलू लिया था और 2 प्याज लिए थे, छोटे छोटे, ठीक है। आप जितनी कम चीज़ें डालेंगे ना उतने पकोड़े सॉफ्ट होंगे। अक्सर लोगों के पकोड़े जो होते हैं ना पत्थर की तरह होते हैं, सॉरी टू से, बट होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कढ़ी में, वो ज़रा उसका मज़ा ख़राब कर देते हैं। और इसको थोड़ी देर रेस्ट दे दें और फिर इसको फ्राई करें। मैं कहती हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपके पकोड़े नरम ना हो, मतलब कि आपने एक मिक्सचर को जो थोड़ा सा पतला रखना है, और उसमें जो पकोड़े बनाए ना 5 या 10 मिनट, थोड़ा चुटकी मीठा सोडा डाल दें, और फिर देखें पकोड़े आपके मलाई जैसे नरम होंगे कि नहीं होंगे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि पकौड़े आपके नरम हुए थे कि नहीं हुए थे। और बस फिर मैं ना फ्राई पैन में, मुझे ना पता नहीं क्यों आदत हो गई है, फ्राइज़ भी मैं फ्राई पैन में करती हूँ और पकौड़े भी। मुझे होता है कि इसमें थोड़ा ऑयल वेस्ट होता है, कढ़ाई में ना आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, और फिर 2-3 फ्राई के बाद जो है ना वो आपका, और अगर उसमें आप नगेट्स कर लो ना तो वो एक ही दफ़ा में ख़राब हो जाता है, चूरा सा उसमें आ जाता है, तो उसमें दोबारा अगर फ्राइज़ करो ना तो सारे ख़राब हो जाता है।
तो इसलिए फिर मुझे होता है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है ना इसी तरह यूज़ हो जाता है। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड कर लूँगी, नहीं तो ये ऑयल फिर जो है ना नेक्स्ट किसी यूज़ में आ जाएगा। फिर मैं इसको कंटेनर में डाल के फ्राई पैन वॉश कर लेती हूँ। मुझे इसमें थोड़ा इजी लगता है, लेकिन कढ़ाई में जो पकौड़े होते हैं ना उनकी शक्ल होती है गोलू मोलू सी, जैसे नॉर्मली बाजार के पकौड़े होते हैं उनकी शक्ल ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें थोड़ा से फिर चिपटे चिपटे बन जाते हैं, बट कोई नहीं, शक्ल पे के ना जाए, टेस्ट पे जाए। तो हर एक अपना तरीका होता है। तो बस मुझे पता नहीं क्यों फ्राई पैन की आदत सी हो गई है कि थोड़ा अमाउंट में काम करना ना, तो फ्राई पैन ईजी है। तो कढ़ाई का ये होता है फिर आपको रखो ऐसे ही, और उसमें बस मैं क्या बताऊँ, रमज़ान में तो फिर कढ़ाई का तो रोज़ ही काम हुआ करना है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने सॉफ्ट आई हैं, ठीक है। इसमें मैंने फिर दो तीन हरी मिर्चें डाली थी, लाल मिर्च मैंने फिर काफ़ी डाली थी, और नमक डाल दिया था, और चुटकी का या हाफ टी स्पून गर्म मसाला डाला था, क्योंकि कढ़ी में गर्म मसाला मैं बिल्कुल भी नहीं डालती, उसका रंग फिर अजीब सा काला सा हो जाता है। और ये देखें जी, इतनी ये जो है ना हो गई है गाढ़ी। और आज वैसे मुझे थोड़ी सी ये लगी थी, बट फिर मैंने बना के जो ना मामा लोगों के बर्तन आए हुए थे उनकी बिरयानी के और जो सालन था, तो फिर मैंने उसमें डाल के उनकी तरफ भी भेजी है। मामा को तो मेरी को बहुत पसंद आई है। मामा कहती है नहीं मामा थोड़ी सी इसी तरह की पतली पतली खाती हैं, क्योंकि मेरी दादी माँ ऐसी बनाती थी पतली पतली। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी फिर लगी थी कि अभी थोड़ी सी ज़्यादा ना पतली सी है, अभी थोड़ी सी और गाढ़ी होने देती हैं आप। तो मैंने कहा नहीं, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बस मैं अभी इसको फाइनल इसको चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर देने हैं, क्योंकि पकोड़ों ने भी इसमें अंदर एब्जॉर्ब करना है कढ़ी को। और ये जी मैंने इसके अंदर पकोड़े डाले हैं, कसूरी मेथी डाल दी, और अभी ये इतनी पतली है तो मैंने अभी चूल्हा जो ना चलता हुआ छोड़ दिया, ठीक है। तेज़ आँच पे के थोड़ी सी उबाल आ जाएगा, और फिर जो है ना तो कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और ये जी मेरी कढ़ी जो अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे रेडी हो गई। तो जब कढ़ी बनी और मैं चम्मच के साथ ना खाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। मैं जो है ना रोटी के साथ नहीं खाती, फिर मैं चम्मच के साथ ही खाती हूँ, और फिर बॉयल करती हूँ साथ राइस। बट मसला ये होता है कि अभी भी मैंने बिरयानी खाई है, तो आज मैं चावल बॉयल नहीं करने, रोटी के साथ ही हमने डिनर करना है इसके साथ। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है ट्यूसडे का, और यहाँ जी बन रहा है नाश्ता बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब है ना सब जा रहे हैं स्कूल, तो ईमान के लिए मुझे टेंडर पॉप फ्राई करने हैं, क्योंकि वो शवारमा पसंद नहीं करती, और बाकी बच्चों के लिए जो है ना मुझे शवारमा करना है। और इसको मैंने अब सेकना है हल्का सा देसी घी लगा के। और गाजर मेरे पास नहीं थी, बंद गोभी थी, और खीरा मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये ईमान के जो है ना थोड़े से पीस जो है टेंडर पॉप के फ्राई हो रहे हैं एक तरफ, और बच्चे बस चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी जो है आपका ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, और उन्होंने बस दही खाया है, और किसी ने बॉयल एग खा लिया है, पराठा शराठा किसी ने नहीं आज खाया, और क्योंकि आज इतने दिनों के बाद जा रहे हैं बड़े बच्चे, तो इसलिए भी उनका ज़रा बस इनका मूड ऐसे ही है। और ये जी मैंने इसको इतना हल्का हल्का सेका, मुझे सेका हुआ शवारमा अच्छा लगता है, अगर वैसे इसको हल्का सेको ना तो फिर वो कच्चा कच्चा से उसका टेस्ट आता है। मुझे होता है कि हल्का हल्का दोनों साइड से ना सीख जाए। और ये मैंने जी इसमें डाल दी केचप, अगर चिली गार्लिक सॉस हो तो वो डालें, सिंपल है तो सिंपल डालें, बट मेरे पास अभी सिंपल है तो मैं वही ऐड करूँगी। चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा वही बेसिक्स है, वो जो चिकन मैंने शेड्यूल करके रखा था, मैंने सैंडविचेस में भी कल यूज़ किया, और आज मैंने शवारमे में भी यूज़ करना है, और इस तरह सेंटर में रख देना है। और इसके ऊपर बंद गोभी हो गई, गाजर, शिमला मिर्च, और ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। बट मेरे पास गाजर नहीं थी, शिमला मिर्च थी, फिर मैंने वो नहीं डाली, बस फिर मैंने बंद गोभी ही डाल दी, क्योंकि मेरे बच्चों को सैंडविचेस में और शवारमा में बंद गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी वो अच्छी है। तो मतलब चिकन वो कहते हैं थोड़ा कम रखें और सैलड ज़्यादा डालें, बट मेरे पास अभी गाजर नहीं थी, मेरे जहन में नहीं था, फ्रिज में नहीं है। और बस फिर मैंने जो है ना बंद गोभी खूब सारी डाल दी, और ये जी मेयोनीज डाली है, केचप मैंने नीचे लगा दी। क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं झटके मार रही हूँ कैमरे को? अच्छा आई थिंक मैं किसी चीज़ को इसको हिला रही थी, ये ज़रा निकलती मुश्किल है, फ्रेंच सॉस है तो ड्रेसिंग है, तो ये ना इस तरह ज़रा मुश्किल से निकलती है, निकलती है तो बहुत सारी निकल आती है, तो मुझे होता है कि थोड़ी थोड़ी डले, क्योंकि इसका जो टेस्ट ना थोड़ा सा स्ट्रांग मुझे लगता है, अगर ज़्यादा डल जाए ना तो फिर अजीब सा ये खट्टा खट्टा टेस्ट करने लग जाती है, इसलिए मैं बड़े एहतियात से जो ना इसको हिला के पुश कर रही थी पीछे से कि ये निकला। ये जी बंद गोभी डालूंगी और उसके बाद रैप कर दूंगी। बटर पेपर मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है, और मैं हालांकि स्टोर पे गई भी थी, मुझे याद ही नहीं रहा। आज काफ़ी टाइम के बाद शवारमा बना रही हूँ, तो मुझे फिर अब ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन फिर मैंने फॉइल में रैप कर दिया, और ये जी ऊपर से मैंने खुला छोड़ दिया। ये इसमें से हाफ़ मैं खाऊँगी, हाफ़ किसी को खाना हुआ तो खा ले, और बाकी जो लंच बॉक्स में डालूँगी। और बस उसके बाद जी ईमान को फिर मैं और मेरी सिस्टर जो ना हम छोड़ने जा रहे हैं, और उसको छोड़ आए हैं हम, हाँ आई थिंक छोड़ आए हैं। और यहाँ पे हमने कहा चलें दो तीन जो है ना चक्कर लगा लिए जाएँ, वॉक कर ली जाए, निकले तो हुए हैं, वैसे घर में जो है ना बस सुस्ती हो जाती है। तो अब जब हम गए थे तब तो यहाँ काफ़ी ना सीनियर जो है ना जो थे
लोग जो थे ना वो कर रहे थे योगा एक्सरसाइज और योगा करते हैं यहाँ, बट अब जब हम वापस आए हैं तो मतलब सारे जो है ना पार्क खाली हो गया था, ऑलमोस्ट खाली हो गया था, और बस इक्का दुक्का लोग थे जो जॉगिंग कर रहे थे। तो फिर हमने भी जो है ना तीन इसके काफ़ी मतलब ठीक ठाक है ये बड़ा, तीन इसके चक्कर लगाए थे, और फिर हम बस फिर घर चले गए थे क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी जाना था, जाके रेडी होना था, तो फिर इसलिए हम जो है ना चले गए थे। और आज वैसे भी पहला दिन था तो इतने चक्कर नहीं लगाने की ज़रूरत थी, हमने कहा तीन पे ही चलो काफ़ी हो गई है। और फिर जाके मैं कुछ भी नहीं करने को दिल कर रहा था, फिर मैं लेट गई थी, और फिर मैं जो है ना 10:30 11 के करीब उठी थी, और फिर अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, उन्होंने कहा जी अब ये नहीं कढ़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी, कढ़ी के साथ खाना है मुझे रोटी, पराठा भी अच्छा लगता है बट वो कहे थे आज पराठा नहीं खाना रोटी बना दो, और पकौड़े इतने नरम है ना मैं आपको खिला नहीं सकती, सिर्फ बता ही सकती हूँ और दिखा सकती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना कि थोड़ा सा पतला रखें और जितना कम हो सके उसमें, कई लोग तो आलू भी नहीं डालते सिर्फ हल्का सा प्याज ही डालते हैं और जस्ट उसको जो है ना फ्राई कर लेते हैं, तो इसलिए पकौड़े उनके नरम होते हैं, ठीक है। और धनिया पालक कुछ भी ना डाला करें, उससे पकौड़े बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, कढ़ी में जो हम स्पेशली डालते हैं वो सादे पकौड़े ही अच्छे लगते हैं, और इतने नरम थे ये देखिए मैं आपको बाइट लगा के दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, बहुत मज़े की, मुझे लगता है जितनी कढ़ी पुरानी हो जाए ना उतनी मज़े की बन जाती है। और पहले दिन तो आप आई थिंक बना बना के थक जाते हो, लेकिन फिर नेक्स्ट डे या जब भी जितनी दफ़ा भी आप खाते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है कढ़ी का, और बहुत मज़े की लगती है, कभी कभी आई थिंक हर दफ़ा ही मज़े की लगती है जितनी भी बना लो। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, चाय मेरी बन रही है, तो बस फिर मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, ईमान जो है वो स्कूल से आ गई थी और उसने अपना लंच फिनिश किया हुआ था, तो उसने बस आके योगर्ट ही खाया है और वो नहीं खा रही, तो बस यहाँ मैं ही खा रही हूँ। और यहाँ जी मेरी हेल्पर जो आ गई थी तो आज करने थे कपड़े वॉश, और फिर उसने जी आई थिंक एक हफ्ते की छुट्टियों पे जा रही है, तो मैंने कहा चलो फिर वॉश कर लो, आज सारे उसकी बेटी की शादी है, और ये सारे मैं हैंगर ले आई थी स्टैंड पे, तो फिर कपड़े पूरे नहीं आते, छोटे छोटे बच्चों की जो शर्ट्स होती हैं तो टॉप होते हैं, फिर मैं इस तरह हैंगर में डाल के ना स्टैंड पे हैंग कर देती हूँ, उससे काफ़ी स्पेस भी निकल आती है और कपड़े भी जो है ना अच्छी तरीके से ड्राई हो जाते हैं। आज धूप इतनी सख्त थी, सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, लेकिन हल्की सी हवा सारा दिन रही है आज, और मौसम बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और ये जिस सारे मैंने कपड़े जो ना हैंग कर दिए हैं स्टैंड पर, और मतलब धूप तो इतनी तेज़ है कि सूख ही जाएंगे। और ये जी मेरी हेल्पर जो है ना वॉश कर रही है कपड़े, और अब बच्चे बड़े भी आ गए थे तो लंच तो लेके गए थे, करके भी आए हैं, तो फिर जो है ना कह रहे थे कि हमने स्ट्रॉबेरी ख़राब हो रही है, ये कल आई है और एक दिन के बाद ना ये इनका भी हाल अमरूदों वाला होता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कच्ची कच्ची ले आओ तो वो खट्टी होती है, अगर पकी भी लाओ तो बहुत जल्दी गल जाती है। और यहाँ मैं अब देख देख के जो ना उनको ऊपर से पत्ते इस तरह खाते ही नहीं है जब तक इनको उतार के ना दो, तो फिर मैं पत्ते इनके जो ना काट के इनको अलग कर रही थी एक प्लेट में ताकि कटी हुई तो ये खा ही लेंगे, तो फिर मैंने भी 4-5 पीस खाए हैं और फिर बच्चों ने भी खाई हैं, तो अमरूद भी इसी तरह जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मतलब ये फ्रूट होते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा ही आप ला के रख सकते हो, लेकिन अब बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आई हुई है, हर तरफ आप बाहर जा रहे हो तो आपको लाल लाल प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरी नज़र आती है, और ये इतना प्यारा फ्रूट है कि देखने में जितना खूबसूरत है उतने मज़े का है ये, और इसके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसको जो है ना रेगुलर जितने दिन हैं तो इसके खाएँ और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो वही इस तरह अगर मैं नहीं काट के दूंगी तो ये ख़राब ही हो जाएगा, और बच्चे इस तरह की और चीज़ें सारी खा सकते हैं, बस ये फ्रूट को ही उठा के और काट के नहीं खा सकते, वो माएँ ही काट के दें। तो बस यही है था आज का व्लॉग, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।